हेलो दोस्तों, मैं आयुष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आज 19 जून 2020 है और आज मैं जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बिरला केबल। तो दोस्तों, ये जो बिरला केबल कंपनी है ये एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाती है। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो जब हम वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं या जो भी डेटा उनका ट्रांसफ़र होता है वो इसी के थ्रू होता है। जो भी हमारा इंटरनेट चलता है राउटर या मॉडम के थ्रू वो इन्हीं केबल से चलता है। और ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी केबल्स भी बनाती है। इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए चलिए हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये मैं आ गया हूँ बिरला केबल लिमिटेड की वेबसाइट पे। ये पहले बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती थी जब इसका टाइप एरिक्सन कंपनी से था, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। तो ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो मैंने आपको बताया था, जो टेलीकॉम सेक्टर में यूज़ होते हैं, स्पेशलिटी केबल्स, ये अलग अलग प्रकार के केबल्स बनाती है, इसकी स्पेशलिटी है। और ये टेलीकॉम फाइबर एसेसरीज भी बनाती है, ये टेलीकॉम गेयर्स भी बनाती है। तो मेनली इसका काम है जो टेलीकॉम टॉवर्स हैं उसमें जो वायर सप्लाई होती हैं वहाँ सप्लाई देना। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है और इसकी वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। अगर मैं बात करूं इसकी शेयर प्राइस की, तो इसका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 55 रुपये 60 पैसे। ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। अगर वन डे की बात करूँ तो आज तो ये थोड़ा सा डाउन ही रहा, वन वीक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है स्टॉक। परसों के दिन ये 20% ऊपर था, आज भी ये 3% ऊपर रहा। वन मंथ की बात करूँ तो भी रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, वन ईयर की बात करूँ तो कहानी थोड़ी सी डाउन है। अभी कोरोना वायरस की वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, इसी वजह से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुका है ये। अगर 5 ईयर की बात करूँ तो स्टॉक 2221 रुपये 15 पैसे पे इसने अपना हाई बनाया 28 नवंबर 2018 को। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन जाने लगा और अभी कोरोना का वायरस की वजह से ये और ज़्यादा डाउन चला गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम आ रहा है, तो ये अच्छा समय है इसको ख़रीदने का। ये देखिए, अगर पी रेशो की बात करूँ तो 163 का है। प्राइस टू बुक रेशो की बात करूँ मैं तो ये 0.97 है, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम इसको इसके पीयर से कंपेयर करें, ये पीयर्स लोड हो रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो है 0.97। और जो बाकी सारी कंपनीज हैं जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, इसका पी रेशो लगभग लगभग 2.5 के आसपास है। HFCL लिमिटेड भी एक कंपनी है, इसका भी पी रेशो ज़्यादा है। तो अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ती है। और जो टिकर टेप हमारा ऐप है इसमें अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द करंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको हम एक बैरोमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं टिकर टेप को। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। डिविडेंड कंपनी बहुत कम देती है इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स अभी है नहीं अच्छे। किसी भी तरीके का किसी ASM GSM लिस्ट में नहीं है, कोई ज़्यादा प्लेस्ड होल्डिंग नहीं है प्रमोटर होल्डिंग, और डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी लो है क्योंकि जो लोन है वो इसमें काफ़ी कम है। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो जो इसकी इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ा ही है पिछले 5 सालों में, जो रेवेन्यू है वो साल दर साल बढ़ता ही गया है, ये आप स्टॉक में देख सकते हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से मार्च में इनके रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, पर अगर अभी देखा जाए तो ये स्टॉक जो है धीरे धीरे रिबाउंड कर रहा है, कंपनी के जो ग्रोथ मेट्रिक्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है। तो फंडामेंटली तो कंपनी बेहतरीन है।
ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसमें अभी 2020 में 225 करोड़ का रेवेन्यू था, कोरोना वायरस की वजह से डाउन था, लेकिन अगर देखा जाए तो FY 2016 में 250 करोड़ की सेल करी इसने, फिर FY 2017 में 214 करोड़ की सेल करी, FY 2018 में बढ़िया सेल रही इनकी 326 करोड़ की, और FY 2019 बहुत अच्छा रहा जिसमें इन्होंने 500 करोड़ की सेल करी। अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो ये भी धीरे धीरे हमेशा इसमें बढ़ती गई है, इसमें ग्रोथ काफ़ी दिखी है हमें, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही रहे हैं। अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखूं तो ये भी साल दर साल पॉजिटिव ही रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं तो लोन एज सच कुछ है नहीं, लॉन्ग टर्म डेट भी बस 13 करोड़ है, एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके पास। जो इनका मेन बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिसीवेबल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि तो जो बिज़नेस है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इन्वेंट्री भी इन्हें काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री तो ज़्यादा होगी। अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ तो होल्डिंग में प्रमोटर के पास 66.35% होल्डिंग है, जिसमें से इनकी 4.16% होल्डिंग प्लेस्ड है। प्लेस्ड है मतलब जो प्रमोटर हैं उन्होंने ये 4.16% जो इनके शेयर्स हैं इसको गिरवी रखा है और उसके बदले में लोन लिया है, तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। पर ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डर्स के पास, जो प्रमोटर्स हैं उनके पास काफ़ी शेयर्स हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट ही हुआ। चलिए ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। अभी तक आप ये सब तो समझ ही गए होंगे कि ये कम्युनिकेशन सर्विस वाली कंपनी है। जो कंपनी है वो मात्र 106 करोड़ की है। अभी स्टॉक का प्राइस बढ़ने की वजह से इसका मार्केट कैप बढ़ गया है, 166 करोड़ दिखा रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर अगर हम रिस्क को अच्छे से मैनेज करें तो इसमें हम अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये बात हो गई फंडामेंटल्स की। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। ये हम आ गए हैं बिरला केबल के चार्ट पे। अभी हमने वन डे चार्ट खोल के रखा है, ये मैंने यहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा रखा है, और इसके ऊपर जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर मैं बिरला केबल की बात करूँ तो इसने हाल ही में अपना 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज तोड़ा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मूविंग एवरेज टूटने पे क्या होता है, उन्हें मैं बता दूँ कि जब भी ये मूविंग एवरेज ब्रेक होता है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि स्टॉक जो है उसके बाद ऊपर की तरफ दिशा उसकी हो। तो यहाँ पे इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा है, ये इसका काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छी रही हैं। तो हमें मान के चलना चाहिए कि जो शेयर है वो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है टेक्निकली। अब अगर मैं दूसरे इंडिकेटर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगाना चाहूँगा। ये देखिए आप जो बोलिंजर बैंड है, इसमें जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ, इसमें 3 लाइन्स होती हैं। जो बीच वाली लाइन है वो 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये जो ऊपर और नीचे आप ये देख रहे हैं ये बैंड्स हैं, ये जो ऊपर नीचे वाली लाइन है ये बैंड्स हैं। तो ये बैंड स्टॉक का मूवमेंट दिखाते हैं, मतलब जो स्टॉक का 90% मूवमेंट होगा वो इन्हीं बैंड्स के अंदर होगा। कि ये स्टॉक ये दिखाते हैं बोलिंजर बैंड्स, ये दिखाते हैं कि स्टॉक में वोलेटिलिटी कितनी है। जब जब ये श्रिंक होंगे यानी कि सिकुड़ेंगे, हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक में जो वोलेटिलिटी है वो कम होती जा रही है।
जो प्राइस मूवमेंट है वो कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे बड़े होंगे हमें समझना चाहिए कि जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। अगर हम अभी रिसेंट में देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो बोलिंजर बैंड से ये जो ब्रेकआउट आया है, तो जब जब ये ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि शेयर्स का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाए। तो हमने यहाँ बोलिंजर बैंड से कंफर्म कर लिया, हमने यहाँ मूविंग एवरेज से कंफर्म कर लिया, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो शेयर है ये ब्रेकआउट दे चुका है और ये अब ऊपर की तरफ जाने के लिए हो रहा है। ये हमने टेक्निकल एनालिसिस देख लिया। अब इसमें मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा, वो है हिकेनएशी। जो हिकेनएशी है ये ट्रेंड के बारे में हमें बताता है। इसमें तीन कैंडल्स होते हैं, डोजी जो इनडिसीजन बताते हैं, ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर की तरफ अप ट्रेंड को बताता है, और ये रेड कैंडल जो डाउन ट्रेंड को बताता है। तो अभी अगर मैं देखूं तो ये जो शेयर है इसने अप ट्रेंड वाली कैंडल्स बनाना शुरू कर दी है। तो जो हिकेनएशी है ये एवरेज ट्रेंड बताता है। तो अभी अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से भी देखा जाए तो जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर ही जाने के इंडिकेशंस ये दिखा रहा है। तो ये बात हो गई हमारी टेक्निकल्स की। तो दोस्तों जो आज मैं आपको कॉल देने जा रहा हूँ वो एक पोजिशनल कॉल है, यानी कि वो एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल है जिसकी ड्यूरेशन आप मान लीजिए 20 से 25 दिन होगी। तो अभी जो शेयर का प्राइस है वो है 55 रुपये 30 पैसे के आसपास, जो अभी रिसेंट क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को एज ऑफ नाउ। तो अगर आप इसको 55-56 रुपये के आसपास ख़रीद लेते हैं, और अगर आप 48 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं, तो आपका जो रिस्क है वो कुछ अराउंड होगा 6 से 8 रुपए का, और जो मैंने आपको टारगेट दिया है वो 79 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 3:1 का है, जो कि काफ़ी बेहतर है। इस स्टॉक में रिस्क इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे दो तीन इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जो शेयर है उसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो लाइन है 200 दिन के मूविंग एवरेज की, ये एक तरीके के सपोर्ट की तरह काम करेगी इसके लिए, इसीलिए इसके 2 रुपये नीचे मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस दिया है। याद रखें दोस्तों, अगर स्टॉक है वो नीचे जाता है तो हमें 48 रुपीज़ के लेवल पे इसको बेच देना है, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो हमें 79 रुपीज़ तक इसको होल्ड करना है और अपने टारगेट पे आने पर ही बेचना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी है, जब तक टारगेट अचीव नहीं होता हमें इसको बेचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने आपको बोलिंजर बैंड से दिखाया कि ये स्टॉक क्यों ऊपर जाना चाहिए, मैंने आपको मूविंग एवरेजेस से बताया ये स्टॉक क्यों ऊपर जाना चाहिए, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इसकी डायरेक्शन अभी कुछ दिनों तक ऊपर की तरफ ही बनी रहेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ इसमें एक बाय पोजिशन बनाने के लिए, बाकी मर्ज़ी आपकी है क्योंकि पैसा आपका है। आप बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते वो आपके ऊपर है, पर ये जो रेकमेंडेशन है ये मैंने अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके दी है। एक वीडियो में मैं समराइज़ नहीं कर सकता, पर मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। इस कंपनी को फंडामेंटली चेक किया, टेक्निकली चेक किया है, उसके बाद ही आपको ये रेकमेंडेशन दी जा रही है। मैंने आपको जो स्टॉक है वो फंडामेंटली भी दिखा चुका हूँ मैं आपको tickertape.com पे, और टेक्निकली भी मैंने आपको काफ़ी रीजंस बताए हैं। पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो स्टॉक है अभी इस लेवल पे एक बाय है। तो अगर आप ये कॉल फॉलो करते हैं, ये पोजिशनल कॉल फॉलो करते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी बढ़िया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।